नोटबंदी के दौरान सेल कंपनी बनाकर काले धन को सफेद करने वाले पर सरकार का चाबुक चल गया है। देश भर में आयकर के रडार पर आई 2,90,032 सेल में से 100 कंपनी मुरादाबाद में भी मिली है। प्रदेश सरकार ने सभी डीएम को एक पत्र भेजा है जिसमें इन सभी कंपनी का पंजीकरण रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अरबों रुपए के काले धन को सफेद करने के बाद इन सेल कंपनियों ने जो भी संपत्ति एकत्र की उसे भी सरकार ने जब्त करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए शासन ने बकायदा इन कंपनी की लिस्ट भी भेजी है। आदेश और लिस्ट आने के बाद डीएम मुरादाबाद ने सभी अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। भारत सरकार ने सेल कंपनी जो 2,09,000 के आसपास जो है पूरे देश में पाई गई थी उनके बारे में प्रदेश सरकार को लिखा था कि ये कंपनियां जो है निष्क्रिय हैं और उनको स्टक ऑफ कर दिया था और उसमें ये कहा था कि जिला मैजिस्ट्रेट जो है इनकी अचल संपत्ति को अपने पजेशन में ले लें, जब ये सक्रिय हो जाएंगी तो फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई होगी। तो उसी संबंध में जो है पत्र प्राप्त हुआ था, इसमें मेरे द्वारा आरओसी को पत्र लिखा गया था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो रहा था पहले के पत्र में कि मुरादाबाद से रिलेटेड कितनी कंपनियां हैं। तो अभी रिसेंटली कल जो है आरओसी की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कंपनीज की सूची प्राप्त हो गई है। तो इसमें हमने VCMDA को और आवास विकास परिषद को, सब रजिस्ट्रार को, तहसीलदार को, SDMs को पत्र लिखा है कि जितने भी इन कंपनीज के नाम अगर कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी मुरादाबाद में है तो उसको जो है सूचित करें और उसको अपने पोजीशन में लें। सर, ये भी कहा जा रहा है कि नोटबंदी के दौरान कंपनियां बनी थी और भारी मात्रा में काले पैसे को सफेद इनके द्वारा किया गया था, क्या जांच में ऐसी कोई बात सामने आई है? नहीं, क्योंकि मेरे स्तर से इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई थी। जो निर्देश प्राप्त हुए हैं वो यही निर्देश प्राप्त हुए हैं कंपनीज के नाम के साथ कि अगर इन कंपनीज के नाम मुरादाबाद में कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने पोजीशन में ले लें। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, केवल मुझे जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग अगर इन कंपनियों की जो कि मेरे पास सूची आई है उनमें अगर कोई उनकी अगर कोई इमोबल प्रॉपर्टी है तो उसको पोजीशन में लेना, दैट्स इट। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।